एक ऐसा देश जहां पिछले 14 दिनों से युद्ध चल रहा है। दो देश आपस में लड़ने मरने को उतारू हैं, बम दागे जा रहे हैं, मिसाइलें दागे जा रही हैं, वॉर जोन है, खतरनाक वॉर जोन है। एक ऐसा देश जहां से बड़ी बड़ी महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिका है चाहे वो ब्रिटेन है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं अपने लोगों को वहां से निकालने को लेकर। कोई नहीं निकाल पा रहा है। ऐसे देश में, पूरी दुनिया में, हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने 56 इंच के सीने के साथ ना सिर्फ अपने लोगों को वहां से निकाला, बल्कि वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। पूरी दुनिया के लोग अब भारत से अपील कर रहे हैं कि उनके लोगों को वहां से निकाला जाए। पाकिस्तानी कह रहे हैं थैंक यू ऑपरेशन गंगा, नेपाली कह रहे हैं, बांग्लादेश के लोग कह रहे हैं, भारतीयों की, तो दुनिया में इकलौता भारत ऐसा देश था जिसने ऑपरेशन गंगा चलाया 56 इंच के सीने के साथ, और इवैक्यूएशन, सबसे बड़ा इवैक्यूएशन किया, 20,000 से ज्यादा लोगों की वतन वापसी कराई। फिर से कह रहा हूं, चाहे पाकिस्तानी है, चाहे नेपाली है, चाहे बांग्लादेशी है, वो लोग भी ऑपरेशन गंगा को धन्यवाद कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं दुख किस चीज का होता है? दुख इस चीज का होता है कि अभी भी कुछ भारत की बदनामी वाली टूलकिट वाले कुछ लोग हैं, जो कुछ ऐसे भारतीय हैं जो फंसे हुए थे, जिनको निकाला है, वो अभी भी कह रहे हैं कि भारत ने हमको निकाला है, कोई एहसान किया है क्या? उन लोगों से यहां मैं यूक्रेन बॉर्डर पर खड़ा होकर बस इतना ही कह सकता हूं कि हो सकता है वो परीक्षाओं में, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में तो पास हो गए, लेकिन भारतीयता और देशभक्ति के टेस्ट में वो फेल हो गए हैं। सोचिए, जहां पिछले 14 दिनों से प्रलय की स्थिति हो, जहां पर खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की के बंकर में छिपे होने की खबरें आती हों, जहां शहर के शहर रूस के बदले की लैंडमाइन पर बैठे हों, सड़कों पर शव बिखरे हों, बच्चों के पास खाने को नहीं हो, ऐसे देश से भारत ने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों भारतीयों का, छात्रों का रेस्क्यू किया। और तो और, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी भी ऑपरेशन गंगा के तहत बचाए गए। इसके लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया और भारतीय झंडे तले पाकिस्तान से बचकर आए पाकिस्तानी छात्र छात्राओं ने भी। My name is Asma Shafiq and I'm from Pakistan and I'm really thankful to the embassy of Indian embassy of Kiev for supporting us all the way here as we were stuck in very difficult situations. And also thanking the Prime Minister of India and thank you so much for supporting us and hope we get home safely because of the Indian embassy. आज पाकिस्तान से लेकर, नेपाल से लेकर, बांग्लादेश के कई छात्र, कई भारतीय जिनको ऑपरेशन गंगा की वजह से नई जिंदगी मिली, ऑपरेशन गंगा की वजह से कई पाकिस्तानियों को, नेपालियों को, बांग्लादेशियों को, भारतीयों को, उनको ऑपरेशन गंगा की वजह से नई जिंदगी मिली। आज वो भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑपरेशन गंगा के शुक्रगुजार है। लेकिन यहां पर मैं यूक्रेन बॉर्डर पर कई ऐसे भारतीयों से भी मिला जो ये कह रहे हैं कि सरकार ने हमको बचाया, कोई एहसान किया क्या? उनकी शिकायत इस चीज की है कि खाने पीने की उस तरह की सुविधाएं नहीं थी, या तमाम जो सुविधाएं होनी चाहिए वो क्यों नहीं थी, या देरी से इवैक्यूएशन क्यों हुआ। यहां यूक्रेन बॉर्डर से बस इतना ही कहना चाहेंगे, जंग के हालात थे, वॉर जोन था, तमाम देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक, लेकिन ये भारत ही था जिसने ऑपरेशन गंगा के तहत हजारों की संख्या में ना सिर्फ बच्चों को बचाया, भारतीयों को बचाया, बल्कि उनकी सकुशल वतन वापसी कराई। ये शक्तिमान भारत ही था जिसकी हिम्मत यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र से भी हजारों जिंदगियां बचा कर ले आई, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध के आगे अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने भी हार मानी। वॉशिंगटन डीसी ने ऐलान करके कहा कि वो युद्ध क्षेत्र से अपने नागरिकों को निकाल पाने में समर्थ नहीं है। वॉशिंगटन डीसी ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को उनके हाल पर छोड़ते हुए ये भी कहा कि अगर वो सुरक्षित हैं तो अपने दम पर यूक्रेन से बाहर निकलें
और किसी सुविधा की उम्मीद न करें। ब्रिटेन ने भी नागरिकों को भगवान भरोसे छोड़ते हुए कहा है कि वो यूक्रेन के एडवाइजरी माने, यानी रेस्क्यू की उम्मीद बिल्कुल न करें। चीन जैसा देश जिसने यूक्रेन युद्ध में खुलकर रूस का समर्थन किया, वो भी यूक्रेन में फंसे चीनी नागरिकों के रेस्क्यू तक रूस को हमलों से रोकने के लिए नहीं कह पाया और चीनी नागरिकों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं शुरू किया गया। लेकिन इस सत्य से उलट भारत के कई छात्र इस बात से नाराज हैं, सरकार ने युद्ध क्षेत्र में घुसकर उन्हें क्यों नहीं निकाला। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ पे वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। कई छात्र ऐसे भी थे जो सुरक्षित लौटे तो उनके चेहरों पर आभार और खुशी के बजाय गुस्सा था, आक्रोश था। केंद्रीय मंत्री उनका स्वागत कर रहे थे और वो स्वागत का अपमान कर रहे थे। ऐसे ही छात्रों की वजह से कुछ डिजाइनर पत्रकारों को, बारूदी बुद्धिजीवियों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को और विपक्ष के कुछ नेताओं को ये कहने का मौका मिला कि भारत के छात्रों के यूक्रेन में फंसने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। जबकि सच क्या है ये कुछ वक्त पहले यूक्रेन से पोलैंड पहुंचे इन छात्रों से समझिए। इंडियन एम्बेसी, इंडियन पूरा सपोर्ट, नो कंप्लेन सीरियसली, दे वर रियली हेल्पफुल। एट वंस वी क्रॉस द पोलैंड बॉर्डर विद अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग, दे वर रियली हेल्पफुल। मतलब हर तरह की यहां पर सुविधा है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। या इट्स वेरी हेल्पफुल रिगार्डिंग अकोमोडेशन एंड फूड, एवरीथिंग वाज स्मूथ। आरोप लगाए गए कि सरकार ने छात्रों को देश लाने में देरी की, जबकि सच ये है कि केंद्र ने युद्ध शुरू होने से पहले छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि वो यूक्रेन छोड़ें। आरोप लगाए गए कि भारत सरकार युद्ध क्षेत्र में रेस्क्यू के लिए नहीं घुसी, जबकि सच ये है कि रेस्क्यू के लिए युद्ध क्षेत्र में घुसना संभव ही नहीं है। और एक सच ये भी है कि यूक्रेन युद्ध में जब दुनिया की बड़ी से बड़ी महाशक्ति ने अपने नागरिकों को, अपने दूतावासों को, अपने छात्रों को भगवान भरोसे छोड़ दिया, ऐसे में सिर्फ भारत है जिसने सफलतापूर्वक ऑपरेशन गंगा चलाया और करीब करीब 97% भारतीयों को मुश्किल जगहों से सुरक्षित निकाल लिया गया। ज़ेलेंस्की ये समझ चुके हैं कि रूस को हराना बहुत मुश्किल है और रूस एक बहुत लंबी लड़ाई के साथ, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ यूक्रेन पर हमला कर रहा है। ये सवाल इसलिए क्योंकि ज़ेलेंस्की के तेवर अब थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। जो ज़ेलेंस्की कल तक दावा कर रहे थे कि रूस की सेना यहाँ से चली जाए अगर जिंदा बचना है तो, जो ज़ेलेंस्की कल तक नाटो की सदस्यता पर अड़े हुए थे, अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब ज़ेलेंस्की की तरफ से ये कहा जा रहा है, अमेरिकी मीडिया में इस तरह की खबरें हैं कि ज़ेलेंस्की नाटो की सदस्यता से भी किनारा करने को तैयार हैं संभवतः। सिर्फ यही नहीं बल्कि जो सबसे ज्यादा विवाद है डोनेस्क और लोहांस्क पर भी वो चर्चा करने के लिए तैयार हैं। शुरुआत में ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जा